कि जब बलवान सेना होते हुए भी जिस देश का शासक जिसमें ना हिम्मत हो ना जज्बा हो, वो राष्ट्र दिक्कत में आता है, उनके नागरिक, उनकी सीमाएं, यहां हमारे नागरिक को उठा के ले जाते हैं, हमारी सीमा के अंदर रोड बनती है, वो घुस जाते हैं। और आप इसके ऊपर चुप क्यों हो? आपका ट्विटर तो कपालभाति की तरह बोलता है। आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते हो, ऐसा माहौल आता है तो आप हर रोज दो तीन भाषण लाइव घंटों तक लोगों को सुनाते रहते हो। आइए ना, चाइना पे भी कुछ बोलिए। मुझे, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं और मेरे पत्रकार साथियों को भी कहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लें। मुझे हमारी सेना के एक बड़े ही सीनियर पद पे बैठे हुए अफसर ने मुझे कहा कि हमारे वहां काफी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां चाइना के साथ हम फेस टू फेस होते और वो फेस टू फेस सिचुएशन, हम भी पेट्रोलिंग में जाते थे, उस पॉइंट तक जाते थे, चाइना के लोग भी पेट्रोलिंग में आते थे, हमारा फेस टू फेस सिचुएशन होता था और फिर वापस आते थे। ये पेट्रोलिंग बरसों से हम करते थे, पर काफी ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सरकार ने सेना को अपनी हद में पेट्रोलिंग पे जाने से मना किया है। और ये जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे उनकी टेरिटरी में सिर्फ बताया, वो थे PT-17, PT-17, जिसे डोगरा भी कहा कहते हैं हम, जो हॉट स्प्रिंग से भी नाम से भी जाना जाता है, वो एक पॉइंट हुआ। दूसरा हुआ गलवान वैली, जहां पर भी फेस टू फेस आमने सामने होते थे। तीसरा हुआ पैंगोंग, जहां पर भी फेस टू फेस चाइना और हमारे देश की सेना होती थी। और चौथा था कैलाश। ये चार पॉइंट पे जो वो जो सीनियर आर्मी अफसर मुझे कह रहे थे, वो सिर्फ अपनी टेरिटरी की बात करते थे कि मेरी टेरिटरी में ये चार जगह पे हम जाते थे, चाइना की सेना फेस टू फेस और पेट्रोलिंग होता था। हमें पेट्रोलिंग से सरकार ने मना कर दिया है कि वहां पेट्रोलिंग नहीं करना है और चाइना वहां अड्डा जमा के बैठा है और पता नहीं हमारी उस टेरिटरी में वो क्या करता होगा, पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि हमें पेट्रोलिंग से मना किया है।